अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के लेसन नंबर 25 और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम रेफरेंसेस टैब सीखने वाले हैं। तो रेफरेंसेस टैब थीसिस लिखने वालों के लिए या बुक्स लिखने वालों के लिए बहुत ही अहम है। तो रेफरेंसेस टैब हम एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ सीखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम उस टाइम यूज करेंगे जब हमने हेडिंग सही तरीके से दिया हो। अगर हमने हेडिंग्स नहीं दिया है तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज नहीं कर सकते। हेडिंग्स कैसे देना है, जैसे यहाँ पे देखिए इसको हमें हेडिंग बनाना है, तो सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया और यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। हालांकि ये एक हेडिंग बन गया, लेकिन इस तरह हेडिंग बनाने से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स या क्रॉस रेफरेंस हम नहीं बना सकते या गो टू ऑप्शन हम इससे यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हेडिंग्स बनाने के लिए सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें हेडिंग वन या हेडिंग टू या हेडिंग थ्री, इस तरह इनमें से एक सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे हेडिंग वन सिलेक्ट करता हूँ। तो हेडिंग कैसे देते हैं, हेडिंग को मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है स्टाइल्स ग्रुप, इसको आप लाजमी देखें। इसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि हेडिंग कैसे बनाते हैं और हेडिंग को मॉडिफाई कैसे करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नंबरिंग देना है तो नंबरिंग के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जो पैराग्राफ ग्रुप वाले है। पैराग्राफ ग्रुप का जो वीडियो है वो लाजमी देखे, उसमें मैंने नंबरिंग भी सिखाया है किस तरह आप नंबरिंग कर सकते हो। सब आउटलाइंस मतलब सब हेडिंग्स के जो नंबरिंग है वो अलग है और मेन जो हेडिंग्स होते हैं उनके अलग होते हैं। तो ये हेडिंग देने के लिए पैराग्राफ ग्रुप को लाजमी देखे। यहाँ पे मैंने हेडिंग्स भी दिया है और नंबरिंग भी किया है। अब चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टार्ट में कर्सर रखना है। अब स्टार्ट पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पे कंट्रोल इंटर करना है, इससे पेज ब्रेक हो जाएगा और ये जो फर्स्ट पेज है ये ब्लैंक रहेगा। अब यहाँ हमें कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद हमें जाना है रेफरेंसेस टैब पे, उसके बाद जाना है हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। अब यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आते हैं, यहाँ पे हमें तीन तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाते हैं। अब इनमें से जो भी हमें लेना है उस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स वन लेना है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह यहाँ पे मुझे मिल गया। इसी तरह अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर हमें एडिट करना है तो सिंपल हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया, सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल बी प्रेस करके इसको कम्प्लीट बोल्ड किया। इसके अलावा अगर हमें कुछ चेंजिंग करना है, जैसे यहाँ पे देखे ये पेज नंबर वन पे है या पेज नंबर टू पे है, यहाँ से मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, मतलब यहाँ से पेज ब्रेक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पेज ब्रेक कर लिया। अब फिर से चलते हैं यहाँ पे होम पेज पे, मतलब फर्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी तक यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे या हम अपडेट टेबल पे क्लिक करके यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो इससे जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये जो आउटलाइन है ये पेज नंबर 11 पे है। अब यहाँ पे जो भी हमने चैप्टर दिया है तो यहाँ पे चैप्टर नंबर्स आएंगे और यहाँ पे हमें जो टाइटल्स हमने दिया है वो हमें मिल जाएंगे और यहाँ इस साइड पे हमें पेज नंबर्स मिल जाएंगे। इसी तरह इसको अगर हमें और भी एडिट करना है, जैसे यहाँ पे देखे इसको हमें यहाँ से नंबर, इसका जो नंबर है वो हटाना है, तो इसका नंबर हटाने के लिए सिंपल हम यहाँ होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से इसको करेंगे नन। जैसे हम नन करेंगे तो ये खत्म हो गया। अब इसको हमें सेंटर में रखना है, तो सेंटर में रखने के लिए सिंपल हम यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये सिंपल सेंटर में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे चैप्टर नंबर और टाइटल पेज नंबर ये हमें लिखना है तो सिंपल यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए तो यहाँ पे मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद अब लाइन लगाना है, तो लाइन लगाने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि लाइन हम किस तरह लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे थ्री लाइंस वाले एक लाइन चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पे हैश साइन लगाऊंगा तीन बार। जैसे ही मैं तीन बार हैश लगाकर इंटर करूंगा तो एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है जैसे चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर लिखने के बाद टैब यहाँ से मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल। टाइटल लिखने के बाद टैब प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है पेज नंबर, पेज नंबर।
अब यहाँ पे ये एंड हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे बराबर रहे। इसके बाद अब मुझे एक और लाइन चाहिए तो सिंपल यहाँ पे मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे लाइन लगाना है तो लाइन लगाने के लिए फिर से शिफ्ट के साथ थ्री प्रेस करेंगे तो हैश लगाने के बाद सिंपल हमें इंटर करना है तो एक लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अब इनको हमें बोल्ड करना है तो सिंपल हम सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर सकते हैं, ये बोल्ड भी हो गए। इसके अलावा यहाँ इसको और भी आगे करना है तो एक टैब और लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ हमें एक टैब बैक करना है तो सिंपल यहाँ पे ये बन गया। अब आप एक बैक यहाँ पे लगा ले तो इस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स का ये भी फायदा है, जैसे यहाँ पे इस चैप्टर पे हमें जाना है तो सिंपल इस पे हम कर्सर रखेंगे या कंट्रोल के साथ इस पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो डायरेक्ट हम उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर ले, कमेंट कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।